Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। जीरो नए पॉजिटिव केसेस और जीरो डिस्चार्ज केसेस हैं आज की इस बुलेटिन के अंदर। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 14, यानी 14 एक्टिव केसेस हैं। कोई बढ़ोतरी या कोई गिरावटी नहीं हुई है आज की इस केस में। उसके बाद बात करते हैं लोकल न्यूज़, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज 5:30 बजे करीब अगर आपको कोई वाइब्रेशन महसूस हुए हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हुआ है जो कि चिंचोली तालुका के करीब हुआ है, गदेश्वरा और याराकोंडा विलेजेस में। जी हाँ, रेवेन्यू टीम वहाँ पर पहुँची है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने भी इस बात को कन्फर्म किया है, लेकिन कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ है। और सभी डिपार्टमेंट लोगों ने कहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक है वो इनसिग्निफिकेंट है, उतना बड़ा नहीं है। और आप सबको भी इस बार का ख्याल रखना ज़रूरी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम का भी हाल काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। तेज़ दड़ाल बारिश भी गुलबर्गा शहर के अंदर हो रही है, क्योंकि बाजू हैदराबाद और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश है और आने वाले 5 दिन के अंदर भी काफ़ी हैवी बारिश होने वाली है। और IMD ने प्रिडिक्ट किया है कि एक ट्रफ बन चुका है नॉर्थ सेंट्रल अरेबियन सी के अंदर, जो कि वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से कवर होते हुए रॉयल सीमा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट लाइन में जाएगा। और उसके बाद ये और इंटेंस होते हुए अपनी डायरेक्शन वो साउथ ओडिशा और कोस्टल आंध्रा के पास ले जाने वाला है अगले 4 से 5 दिन। अगर तेज़ रफ बारिश भी हो रही है तो आप घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये टोटली जो है मामला मौसम का है और कोस्टल लाइंस के जो है प्रेशर जो लो हो रहा है उसकी वजह से। उसके बाद आपने एक वीडियो देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा था, जहां पर एक कार को आग लग गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। जी हाँ, हमने गाड़ी के ओनर से भी बात की है और वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं। अच्छी बात यह रही कि यहां पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, टाइम पर गाड़ी से जो लोग थे वो बाहर निकल गए और उन्होंने भी अपनी जान बचाई है। और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक बेहद अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हम लोग और मेरे दोस्त फैसल यहाँ से गुज़र रहे थे कि अचानक देखा कि यहाँ के इंजन में से कुछ धुआं आने लगा। जैसे देखा तो कि धीरे से चिंगारी दिखते दिखते आँच में तब्दील हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमको इस चीज़ से बचाया। अचानक हम लोग देखते ही, जैसे ही हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग ने दरवाज़ा खुल के यहाँ से निकल गए, अल्लाह का एहसान है, लेकिन बेहद डैमेज हुआ। मैं चाहता हूं कि हुंडई को भी इस चीज़ के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद एक मिसिंग न्यूज़ हम आपकी तरफ ला रहे हैं, जहां पर 70 सालाना पुतली बी जो कि वाइफ ऑफ फ़कीर अहमद हैं, जी वो 7/10/2021 यानी 7 अक्टूबर से वो लापता हैं मोमिनपुरा मलखेड़ से। अगर आपको कहीं नज़र आ रहे हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं गुलबर्गा शहर के अंदर होने वाला एक ज़बरदस्त फैशन शो। जी हाँ, कोविड 19 के बाद कई सारे इवेंट्स बंद हो चुके थे, लेकिन अब इवेंट्स की शुरुआत हो रही है। फेस्टिव सीजन के चलते हुए ऑर्किड मॉल सेकेंड फ्लोर पर एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है अलंकारा फैशन ज्वेलरी जावेद हबीब और द मेकअप मैनिया की तरफ से। जी हाँ, आइए देखते हैं शॉर्ट हाईलाइट्स। अलंकारा फैशन ज्वेलर्स जावेद हबीब एंड द मेकअप मैनिया ला रहे हैं आपके लिए फैशन शो। इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी एंड ज्वेलरी। फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है सेकेंड फ्लोर ऑर्किड मॉल में संडे 10 अक्टूबर शाम 6 बजे। इस फैशन शो के अलावा कई सारे गेम्स यहां पर खिलाए जा रहे हैं एक्सक्लूसिव लेडीज के लिए, जहां पर आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। यहां जीतने वालों को मिलेगा फ्री हेयर कट फ्रॉम जावेद हबीब और साथ ही साथ इमिटेशन ज्वेलर्स फ्रॉम अलंकारा फैशन ज्वेलर्स। इन सब के अलावा यहां पर किस तरह से अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं 5 मिनट में, फ्री ब्यूटी ट्रिक्स एंड हैक्स आपको मालूम होंगे फ्रॉम द मेकअप मैनिया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं इन एक्सक्लूसिव फैशन शो। दिस इज़ ब्रॉट यू बाय अलंकारा फैशन ज्वेलर्स, जो कि एक इमिटेशन ज्वेलर्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। साथ साथ जावेद हबीब जो कि एक एस्टैब्लिश ब्रांड है गुलबर्गा शहर के अंदर, और द मेकअप मेनिया जो हमेशा से ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स देते आया है। मार्क योर कैलेंडर्स ऑन संडे 10th of October एट 6 PM सेकेंड फ्लोर ऑर्किड मॉल गुलबर्गा। याद रखिए अलंकारा फैशन ज्वेलर्स इस इवेंट के अंदर एक एग्जीबिशन कम सेल भी रखने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको मिल सकते हैं ढेर सारे नए नए डिजाइन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सो डू कैच इमिटेशन ज्वेलर्स एग्जीबिशन एज वेल एज द फैशन शो एट ऑर्किड मॉल संडे 10th of October एट 6 PM।
आखिर में हम बात करने वाले हमारे ब्रांड न्यू शो प्राइम प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, प्राइम प्रॉपर्टीज, इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंड की जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है और अलंद रोड पर ही आता है, कड़कंज से बिल्कुल करीब, नारोना विलेज के बिल्कुल करीब ये जगह आती है। 47 एकड़ है ये जगह। ये सारा डिटेल्स क्या है हमारे इस छोटे से वीडियो में आप देखें। अगर इसके एड्रेस के एग्जैक्ट कर हम बात करें तो कड़कंची से लेकर नरुणा गांव की जो रोड है वहां पर ही आता है। नरुणा गांव से बिल्कुल 1 किलोमीटर करीब है जो कि आलंद तालुका में आता है। ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है और यहां पर कई सारे सुविधाएं ऑलरेडी दी गई हैं। यहां पर एक वेल भी है, साथ साथ बोरवेल कनेक्शन भी है और कई सारे यहाँ पर आम के झाड़े पेरे गए हैं और प्योर एग्रीकल्चर लैंड ये है। अगर आप फार्म हाउसेस के लिए या फार्म लैंड प्लॉट्स के लिए अगर इस जगह को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है और प्राइस भी काफ़ी रेंज में है। 47 एकर्स आप आराम से इसे इस्तेमाल भी ले सकते हैं और रोड साइड इसे काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी है। अगर एड्रेस की फिर से अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप मैप देख सकते हैं, अलंद रोड से आपको जाना है, कड़कंजी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है बिल्कुल, वहाँ से ही आपको टर्न लेना है और टर्न लेने के बिल्कुल करीब में ही आपको ये लैंड नज़र आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अभी का अभी इस लैंड की इंक्वायरी कर सकते हैं। याद रखिए, ये हॉट प्राइम प्रॉपर्टी है जो आपको वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकती है, तो देर ना करें और इमीडिएटली कॉल करें। अपने घर वालों को आप दो चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूबल एसेट। जब बात वैल्यूबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। रियल इस्टेट में आप क्या देखते हैं? करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहां पर मौजूद हैं और ये लेआउट NA और कूडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे है इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा क्योंकि महंगाई के जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छी चीज है और इसीलिए रीगल एनक्लेव। इसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके एमिनिटीज क्या क्या है। RCC ओपन ड्रेन, UGD वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कूडा अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हां, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।